दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है। ध्यान से सुनना, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। शाम के समय में आपको जाना है, ना ज्यादा रात हो चुकी हो ना ज्यादा दिन हो, अर्थात सायंकाल में आपको जाना है, ना सूर्य अस्त हो ना सूर्य जो है ज्यादा दिख रहा हो, अर्थात ये मध्यम टाइम में आपको जाना है सायंकाल में। और आपको अपने संग में क्या क्या रख करके जाना है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जानकारी मालामाल बनाएगी। आपको शंख रखना है, कौड़ी रखना है, कमल के फूल रखना है, आपको मखाने रखना है और आपको बताशे रखना है। अगर आपके घर में अगर आप बना सकते हैं तो खीर बना सकते हैं या फिर जो है दूध से बना हुआ कोई पदार्थ बना लें। और आपको रखना है गुलाब का इत्र, ये सारी चीजों को एक लाल कलर की चुनरी में बांध देना है। और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दीपावली के दिन प्रार्थना करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं, आपकी प्रसन्नता हेतु ये सारी चीज हम आपको ये सारे भोग अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये भोगों को आपको अर्पण कर देना है। ये उपाय से ऐसा माना जाता है व्यक्ति के जन्मों की कंगाली मिट जाती है, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके आपको जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल ही प्रभावी होते हैं। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको दीपावली की शाम पीपल के पेड़ पर देखिए। दीपावली के दिन रविवार पड़ रहा है तो इस बार ये काम जरूर करना। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जो है दीप नहीं जलाया जाता, तो एक काम जरूर करना, आप जो है बेल के पेड़ के नीचे में दीपक जला सकते हैं। बेल के पेड़ को भी त्रिवेणी वृक्ष में सबसे ज्यादा जो उत्तम कहा गया है। त्रिवेणी जड़ में ब्रह्म निवास करते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु और बेल के ऊपरी हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसके अंदर पुराण के अनुसार बेल का पेड़ माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो बेल का पेड़ हमारे लिए पूजनीय है। और ऐसा माना जाता है जो बेल का वृक्ष है ये माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं। बनना पड़ा इसके बारे में कभी एक मैं आप लोगों को वीडियो बता दूंगा, एक जानकारी बता दूंगा। तो आप जो है सरसों का तेल या फिर घी का दीपक बेल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए और बेल को हरी चूड़ी इस दिन जरूर बांधना, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक के घर में रुक जाती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली की रात किस टाइम पर माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है। ये जानना आप सभी दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस समय का चुनाव कर लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर माँ ध्यान से सुनना, तो दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार बिल्कुल ही चक्कर लगाने जाती है, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी देखती है कि कौन भक्त उनकी कैसी पूजा कर रहा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन मध्य रात्रि में, जी हाँ मध्य रात्रि में सबके घर में आती है। मध्य रात्रि अर्थात रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच, रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो इसी टाइम में आपको सतर्क रहना है, इस टाइम का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एक लोटा तांबे के लोटा मैं आपको जल भर करके घर के मुख्य द्वार पे आपको रखना है। और इस लोटे में आपको लाल गुलाब का आपको 3 पुष्प डाल देना है माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। और पूरे घर में आपको इत्र का छिड़काव करना है, गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, तो माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और गुलाब का इत्र बहुत भाता है, ऐसा देखा है। माँ लक्ष्मी की पूजन में गुलाब का इत्र या गुलाब के फूल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है, उनके स्वागत के लिए एक लोटा आपको जल भरना है तांबे के लोटे में, उसमें आपको करना क्या है 3 गुलाब के पुष्प डाल देना है। और पूरे घर में आपको जो है, आपसे अगर हो पाता है तो पूरे घर में धूप या फिर लोबान का धुआं जरूर दिखाना। अब ऐसा क्यों करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना देखना। माँ लक्ष्मी ना चाहते हुए भी ये उपाय करने के बाद जो लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी है, लक्ष्मी रूठी हुई है आपके घर में नहीं आती, तो बिल्कुल ही इस प्रकार से आप उनका आदर सत्कार करेंगे तो जबरदस्ती माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना हो, आपकी जितनी भी इच्छा हो उन इच्छा को पूर्ण करेंगी माँ लक्ष्मी। अब हो सके तो ये काम जरूर करना, मध्य रात्रि में ही उनकी तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उनके सामने में 5 बताशे एवं 5 कौड़ी, ध्यान से सुनना, 5 बताशे एवं 5 कौड़ी आपको चुनरी में या फिर लाल कलर के जो वस्त्र है उसमें आपको लपेट करके माता को भेंट कर देना है। और प्रार्थना करना है कि माता मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 5 बताशे एवं 5 कौड़ी समर्पित कर रहा हूँ। दोस्तों और एक काम जरूर करना, ये समर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी आप इसे स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इस प्रकार के बताशा चढ़ाए हुए और इस प्रकार की चढ़ाई हुई जो कौड़ी है आप इसे अपने फिर बाद में पूजन पाठ संपन्न हो जाते हैं दीपावली के दिन, तो इसके बाद आपको इसे धन पेटी में रखना है, ये कोई साधारण फिर वस्तु नहीं रहेगी। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा से फिर इस प्रकार की कौड़ी जागृत हो जाती है। और मैं कई वीडियो में बोलता हूँ जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाती है, तो एक काम जरूर करना आप इसे अपनी धन पेटी में रखना, माता लक्ष्मी का इसे आशीर्वाद समझना, ये फिर कोई साधारण बताशे नहीं रहेंगे, फिर ये साधारण कौड़ी नहीं रह जाएंगे, ये माँ लक्ष्मी का प्रसाद हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी का प्रसाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस स्थान पे हो वह स्थान फिर कभी दरिद्र नहीं रहता, वह घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है, ऐसा अधिकतर देखा भी गया है। जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है, जी हाँ जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है, ये माँ लक्ष्मी की बहन है क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है, इस नाते जो कौड़ी है माँ लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए हम जिस मध्य रात्रि में प्रयोग बताए हैं सारे प्रयोग जरूर कीजिए। और दीपावली के दिन आपको सतर्क रहना है, जितना ज्यादा हो सके श्री सूक्त का भी पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, श्री सूक्त माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, श्री सूक्त है अष्ट लक्ष्मी स्रोत, पाठ करने के बाद फिर विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख की समृद्धि आती है, जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, सतर्क रहना, माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी, आप माता के चरण पकड़ लेना और कर लेना यह उपाय। दोस्तों 12 नवंबर को है दीपावली, तो एक काम जरूर करना, दिवाली की रात इस टाइम पर माँ लक्ष्मी आती है, घर पर सतर्क रहना और इस समय छिड़क देना, इत्र साल भर के लिए रुक जाएगी। माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी इतनी खूबसूरत है मानो जितना ब्रह्मांड में कीमती आभूषण है, उनकी चमक भी माता के पैरों की धूल के समान है। देखिए हमारे धर्मशास्त्र में तथा माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जिस घर में दीपावली के समय में इस समय में पूजा होती है मैं बिल्कुल ही उस घर में ठहर जाती हूँ।
थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन सही समय नहीं जानते। और अगर सही समय का हम चुनाव कर लें, जिस समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है तो बिल्कुल ही हमें धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। 12 नवंबर को है दीपावली, तो आपको दीपावली के किस समय में सतर्क रहना है, किस समय में माँ लक्ष्मी आती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई, जिसके बाद ये भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा में लगी, उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर इनका ठहरना स्वाभाविक। Thanks for watching.